हेलो फ्रेंड्स, किसी कारण से DTS में अगर आपको पैक चेंज करना है या फिर जो चैनल से बदलना है तो आप कभी भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन चेंज करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखना होगा, तो इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, छोटी छोटी चीजें है आपको ध्यान देना होगा, उसके बाद ही आप जो पैक है चेंज कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए जो DTS में, देखिए यहाँ पर जो पैक बदलने का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ पर DTS कॉम्बो या फिर मेरा वाला प्लान अगर सेलेक्ट करते हो तो जो भी प्लान एक्टिव है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, या फिर जो भी चैनल्स आप सेलेक्ट किए थे सभी चैनल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी चैनल्स है या फिर पैक है आपको उसको डिलीट करना है, ठीक है। जो डिलीट का ऑप्शन आपको मिलेगा उसको सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले जो एक्टिव पैक है उसको निकालना है, यानी कि रिमूव करना है। और आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आप चैनल्स को सेलेक्ट किए थे ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्लियर करना है, जो भी सिलेक्टेड है उसको क्लियर करना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर, देखिए आपको सबका जो वैल्यू है आपको जीरो होना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई भी पैक ऐड कीजिए, चेंज कीजिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कुछ अमाउंट दिखाई देता है तो वो अमाउंट आपका जो पैक है उसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक जो पैक सेलेक्ट कर लिया हूँ और इसका जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा कोई भी चैनल से या फिर पैक का वैल्यू ऐड नहीं है, सिर्फ जो मैं सेलेक्ट किया है वही पैक का वैल्यू है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, नहीं तो अगर वो पहले से कोई भी पैक एक्टिव है उसका वैल्यू भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा और आपका मंथली जो पैक है बहुत महंगा हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डिटेल्स क्लियर दिखाई देगा प्रोसीड करने के बाद। और देखिए यहाँ पर आपको जो भी प्राइस है और साथ ही साथ जो GST है और चैनल का जो प्राइस है, जो पैक का जो प्राइस है, सब दिखाई देगा। आप यहाँ पर देखकर उसके बाद ही आप सबमिट कीजिए। और सबमिट करने के बाद आपको देखिए ओके करना है। ओके करते हैं आपका जो पैक है रजिस्टर्ड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपको जैसे आप अपना जो अकाउंट है अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पर देखिए जो आपको जीरो दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, और इसको अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और कभी कभी देखिए जो दो पहले से जो पैक था और अभी जो आप चेंज किया है, दोनों पैक का जो अमाउंट है टोटल अमाउंट भी कभी कभी दिखाएगा, लेकिन आप घबराइए मत, जैसे आप सेलेक्ट किए थे उसी हिसाब से आपका पैक चालू हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।